हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M32 के अंदर हम किस प्रकार से हमारे फोटो और वीडियो को हम हाइड कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। तो चलिए गाइस, आपको क्या करना है, आपको गैलरी के अंदर जाना है। तो गाइस, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ से हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस, यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं और गाइस यहाँ पे हमारे कुछ फोटो हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम एल्बम के अंदर चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपके सामने तीन फोल्डर देखने को मिलते हैं। एक स्क्रीन रिकॉर्डर का है, एक स्क्रीन शॉट का है और एक कैमरा का है। कैमरा के अंदर हमारे एक वीडियो है, दो फोटो हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, कैमरा वाले सेक्शन को मैं हाइड करने वाला हूँ। कैसे हाइड करेंगे, चलिए गाइस मैं आपको भी बताता हूँ। आपको गाइस क्या करना है, गाइस यहाँ पे गाइस सिंपल सा आपको यहाँ पे आपके पिक्चर्स आ रहे हैं, एल्बम आ रहे हैं, सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। बट आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है गाइस, और क्रिएट एल्बम पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एल्बम का नाम देना है हाइड, HIDE। ओके, इसको क्रिएट कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पे हमारी एक एल्बम क्रिएट हो गई जो कि 00, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे हम सिंपल सा कैमरे पे क्लिक करेंगे और इनको हम सेलेक्ट करेंगे गाइस, जिन जिन फोटोज़ या वीडियोज़ को हमको हाइड करना है। और मोर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम मूव टू एल्बम पे क्लिक करेंगे और हाइड वाला एल्बम सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस, हमारे जो एक वीडियो और दो फोटो हैं वो हाइड वाली एल्बम के अंदर आ चुके हैं। ठीक है गाइस, कैमरा है, हाइड वाली एल्बम है जो कि कैमरे के अंदर था पहले। ठीक है गाइस, इसके बाद यहाँ पे अब आपको क्लिक करना है कि यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हाइड और अनहाइड एल्बम का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका हाइड वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है और आपकी एल्बम जो है अब ये हाइड हो चुकी है। अब गाइस, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिलता है। पिक्चर्स के अंदर आप आएंगे तो अभी आपको यहाँ पे केवल आपकी स्क्रीन रिकॉर्डर ही देखने को मिलेगा और बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि आपके फोटोज़ और जो वीडियोज़ थे वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अगर गाइस आप इनको एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, थ्री डॉट पर हाइड और अनहाइड पर क्लिक करना है। हाइड वाली एल्बम पर क्लिक करके आप उसको अनहाइड करेंगे, बैक आएंगे, अब आपकी एल्बम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप यहाँ से उसको एक्सेस करेंगे, देखेंगे, जो भी करना चाहेंगे आप यहाँ से कर सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से। और गाइस, आप वापस से उसको वहीं पे जाके हाइड भी कर देंगे अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो दोबारा। तो गाइस, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कैसे काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कर लें सब्सक्राइब। तो गाइस, मिलते हैं आपसे भी किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।